In the chapter Sunita in Space, today we are going to study about solar system. So the solar system consists of the sun and everything that orbits or travels around the sun. यानी कि यहाँ पे सोलार सिस्टम के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो सोलार सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? सन है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सन को के अराउंड घूमती हैं। तो सोलार सिस्टम नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सन इसका सेंटर होता है, सन के आसपास सब चीजें घूमती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सन के आसपास घूमती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? दिस इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। 8 प्लैनेट्स भी हैं और उनपे जो मून है वो भी, जैसे हमारे अर्थ पे मून होता है ऐसे दूसरे प्लैनेट्स पे भी मून होता है। ड्वार्फ प्लैनेट्स, कुछ हमारे छोटे प्लैनेट्स भी होते हैं, एंड काउंटलेस एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें हमारी सन के अराउंड घूमती हैं। तो आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सन है, ठीक है, और उसके सबसे पास जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी। ये मरकरी इस तरह से, ये ऑर्बिट इनकी शो हो रही है, जो हमने ये लाइंस बनाई हुई है ये सारी ऑर्बिट शो कर रही है उस प्लैनेट की, पर्टिकुलर प्लैनेट की। तो यहाँ पे मरकरी है, उसके बाद आता है वीनस, इस तरह से वीनस, ठीक है, उसके बाद हमारी जो अर्थ है वो है। तो सन से हमारा ये तीसरा प्लैनेट हो गया हमारी जो अर्थ है वो, उसके बाद आता है मार्स, ठीक है, उसके बाद आ जाता है जुपिटर, ये वाला जुपिटर है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे डॉट्स देख रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं ये आती हैं, इनको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, मींस यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ये हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। अब इनके बारे में हम अभी जानेंगे, थोड़ा सा हम सोलार सिस्टम के बारे में और देख लेते हैं। आर सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स विच ऑल ऑर्बिट अराउंड आर होम स्टार द सन। सन को हम क्या कहते हैं? होम स्टार, क्योंकि उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ओनली द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ विद द नेकेड आई। अगर हम देखना चाहते हैं तो 5 प्लैनेट्स दिखाई देते हैं अर्थ से, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सन, सैटर्न। यानी कि एक तो अर्थ से पहले वाले जो हो गए मरकरी एंड वीनस, और उसके बाद वाले हमारे हो गए मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे सकते हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, प्लैनेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। सन से जिस ऑर्डर में है ये, यानी कि जो डिस्टेंस पे है, जिस डिस्टेंस में और एक सर्कुलर पाथ में ये ऑर्बिट में घूमते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर में लिखे गए हैं। फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है ईच एंड एवरी जो प्लैनेट है किस तरह के होते हैं। एज मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, जो सन होता है उसके नियरेस्ट होता है। जैसे ये सन है, आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो ये सन है, तो सन के जो सबसे पास में होता है, सबके सबसे पास में जो प्लैनेट है वो है हमारा मरकरी, ठीक है। सो इट इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में बहुत गर्म होता है, एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। Now the second planet is Venus, is the hottest and brightest of all the planets. जितने भी planets हैं 8 planets, उनमें सबसे ज़्यादा bright है, चमकदार है planet और गर्म भी है। Now the third planet in the solar system is our Earth. Third planet अभी हमने देखा कि हमारी Earth third planet है। Nearly 70% of the Earth surface is covered with water. हमारी जो अर्थ पे 70% वाटर है, ड्यू टू विच द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारा पानी है 70%। इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अभी तक जानकारी में जो भी आया है, सिर्फ हमारी जो अर्थ है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ होती है, नहीं तो और दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स।
के मार्स आता है, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल एंड रॉक्स। तो क्योंकि यहाँ पे रेड सॉइल और रॉक्स मिलता है, इसीलिए हम इसे रेड प्लैनेट भी कह देते हैं। द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, मीन्स सबसे बड़ा। इट इज सो लार्ज दैट इट कैन ऑक्यूपाई नियरली 1300 अर्थ्स इनसाइड इट। 1300 अर्थ, हमारी जो अर्थ एक अर्थ है उसके जैसी 1300 अर्थ आ सकती हैं। तो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। द सिक्स्थ प्लैनेट दैट इज सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सैटर्न है वो सिक्स्थ प्लैनेट है और वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि फर्स्ट तो हो गया जुपिटर और सैटर्न हो गया लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न इससे छोटा होता है। इट इज येलोइश इन कलर। जो सैटर्न होता है वो येलो कलर का होता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग, उसमें रिंग भी बहुत अच्छी सी होती है अराउंड इट, दैट आर मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। यानी कि जो हमारा सैटर्न होता है ना प्लैनेट, उसके अराउंड जो रिंग होती है वो रिंग हमारी येलो कलर, आइस एंड डस्ट की होती है। येलोइश कलर का तो ये पूरा होता है और ये जो डस्ट जो रिंग बनती है वो बनती है आइस और डस्ट से, उससे बन जाती है रिंग। द सेवंथ प्लैनेट इज यूरेनस। अ थिक लेयर ऑफ गैस कवर्स दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के आसपास पूरी एक गैस की थिक लेयर होती है। द एट्थ प्लैनेट इज नेपच्यून। एज दिस प्लैनेट इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन, ये सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो कोल्ड विंड्स ब्लो हियर एट वेरी हाई स्पीड। तो वो बहुत ठंडा होता है क्योंकि सन से बहुत दूर है, तो वहाँ पे ठंडक रहती है, बहुत ठंडा रहता है। आई होप इसमें समझ आ गया होगा आपको सोलार सिस्टम बहुत ही अच्छे से। और भी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं माइलस्टोन, जिसपे और भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ मिलेंगी।